ये है विविध भारती उजाले उनकी यादों के उजाले उनकी यादों के दोस्तों एक आवाज जिसमें ठहराव है जिसमें खनक है जिसमें मधुरता है एक आवाज जिसमें खुद संगीत है। संगीत के महारथी यशुदास के साथ हमारी सखी देवी कुमार नमस्कार दोस्तों मैं आपकी सखी देवी कुमार आज हमारे साथ उपस्थित है वो शख्सियत जिन्हें संगीत प्रेमियों के दुनिया में शायद ही ऐसा कोई हो जो जानते नहीं या इनकी मधुर वाणी को पहचानते नहीं जी हाँ अपने कीमती समय से वक्त निकालकर आज हमारे साथ है श्री यशुदास जी जो एक महान गायक कलाकार है यशुदास जी आपका विविध भारती सेवा में बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत शुक्रिया आई एम सो हैप्पी मैं तो मानता हूँ मेरा गुरु जी लोग और मेरा फर्स्ट गुरु है कि माई फादर जोसफ एंड सिंगर ही ओनली ब्लस मी सर so आपको पद्मश्री पद्म भूषण पद्म विभूषण से नवाजा गया है इसके अलावा आपको सात नेशनल अवार्ड्स पांच फिल्म फेयर अवार्ड्स और बहुत सारे स्टेट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है आपको एसब, कैसा लगता है ये सब एकदम भगवान की आशीर्वाद है बिल्कुल उसके बाद मैं बताऊं कि गुरु लोग मुझको ज्यादा गुरु लोग हैं मैं सोचा हूँ की अभी एक छोटा बच्चा गाए तो भी उधर से हम लोग कुछ पकड़े तो वो टाइम वो गुरु हो जाएगा बिल्कुल सर बिल्कुल इसलिए भिल्कुल। गुरु परंपरा गुरु स्प्रेड हो रहे सारे लोग में बिल्कुल सारे संसार में बिल्कुल सो गुरु है गुरु बिना कुछ नहीं कर सकता बिल्कुल सर सर आपने अपने संगीत का तालीम पांच वर्ष के उम्र से आपने शुरू किया हाँ जी आपके बचपन के बारे में आपके संगीत के तालीम के बारे में आपको इस क्षेत्र में किसने प्रेरित किया इसके बारे में हमें कुछ बता कि मेरा बाप तो क्या बताया कि फॉर गेट अबाउट योर स्टडीज संगीत के लिए यू हैव टू लिव फॉर संगीत ऐसा ब्लसिंग ये सब ईश्वर की इच्छा है मेरा इच्छा और मेरा फादर का इच्छा ये सब वी आर ओनली इंस्ट्रूमेंट्स बिल्कुल आपका बचपन में से ही आपने पूरी तरह से संगीत की yeah. तरफ ध्यान दिया या yeah. हां ah, जी क्योंकि फादर वाज अ स्टेज सिंगर जी सो हिस इंटरेस्ट प्योर क्लासिकल सिंगर होना दैट वाज हिज इज एम्बिशन सो इट इज अ ब्लेसिंग एक्चुअली दैट टाइप ऑफ अ फादर इवन दो आई हैव टू से दैट आई बॉर्न इन अ क्रिश्चियन फैमिली दोस डेज यू नो दिस टाइप ऑफ म्यूजिक और स्टडीइंग You know, you know, you know, भगवान फिक्स किया है बिल्कुल सर।, सर आपने बारह साल की छोटी सी उम्र में आपने पहला स्टेज परफॉर्मेंस दिया इस उम्र में तो बच्चे ज्यादा करके गेम्स या खिलौनों के साथ खेलते ये तो भी था फिर भी मेरा इंटरेस्ट तो संगीत में था खेलने में भी ऐसा हो, हो रहा था अच्छा आपको सबसे ज्यादा सिर्फ आपको गाने के प्रति लगाव था दैट टाइम यू नो माय इन्फ्लुएंसर्स इवन इन द स्कूल दे सेलेक्टेड मी फॉर सिंगिंग जन मॉर्निंग यू नो ऑल द कंपटीशनस में मुझको मिला

मेरा सुंदर सपना बीत uh, दैट गाना फर्स्ट मैं सीखा इनसे यू नो आल्सो माय लाइक एक स्मॉल चर्च है उधर एक uh, पैटर्न है कि एवरीबॉडी विल सिंग क्लासिकल ओनली नॉट अ हिम्स और एनीथिंग क्लासिकल लाइक आलाप लाइक सो ट्वेल्थ ईयर आई फादर टू टोल्ड मी टू सिंग That particular place. उसके बाद यू नो इली टिल वहाँ पहुँच के आपका जी 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 बहुत बढ़िया सर yeah. सर आपने बहुत सारे कलाकारों गायक कलाकारों और संगीतकारों के साथ आपने काम किया है सुना है आप मोहम्मद रफी जी के बहुत बड़े फैन yeah, बहुत बहुत क्यूँकी he is the very big model for me. the way his uh, style, his uh, capacities, nobody have, i believe, anybody have different opinion, but for me it is so many people, but i never exactly copied him. i took his uh, way of uh, expression, the style, inka samskar. he was so great person. once only i have a meeting with him. ravindra jain composed a song for both.

His music, of course, you know everybody knows it. But I first one is actually my my song. You know, I observed is Suhani Raat. Those songs, you know, the different type of feelings, you know, Nebatai, given us. And uh, of course, I respect all the other singers mm -hmm. and uh, Mukesh Ji, Talat, Mohammed. and here also different artists. The film musicians are different caliber. They got. So, we have to keep in mind. So, definitely, we should not copy it. Copy means, you know, the original. I always say to the children, and my not children means, you know, everybody are, you know, when, when I talk to the smaller singers or any smaller means, you know, age wise. Haan, younger generation. Younger generation. If you want to become, don't copy it. Whatever you got your own voice, you try to do it. जी अदरवाइज इट विल बी आर्टिफिशियल जी बिल्कुल एंड थिंक अबाउट आप एक काम के लिए जा रहे हैं ऑफिस में सेट वीयर के साथ जी आप क्या करें व्हाट वी विल डू यू विल गिव यू सर्टिफिकेट कॉपी नहीं ओरिजिनल बिल्कुल सर दैट ओरिजिनलिटी शुड बी देयर ईच आर्टिस्ट नहीं तो इधर नहीं रह सकते आपका हिंदी फिल्म में सबसे पहला गाना कौन सा था एक्चुअली आई sang one in madras before when i gone to bombay Ji. that is actually raju one music director here he used to help uh, s janaki amma you know orchestra and all he did a hindi film somebody took that song it is the my first song in germany studio they re recorded then later on our great composer Salida, Sali Ji. Ji. he came to work in Chemin. Here one picture, uh -huh. the influence and I. He likes me, and uh, he asked me, "Will you come to Bombay? Why? Why can't I <laughs> do that?" I was so happy to. Then, the chance was in that picture, Ek gana tha, Leda -ji ke liye. <laughs> So Malayalam lyric ke liye, sang that song in for <laughs> Leda -ji, for for the track and. Uh, she didn't uh, give the, you know, that time, you know, she was so busy and she didn't give that, you know. Then later on, they kept the same song. They fixed the song in the film. Woi, same same song. Same song. Hain, but she didn't sing that. Kadalina kere Ponore that song. Okay. So later on, a choti si bath. That was Janeman, Janeman. Janeman. Next uh, connection with the Rajshri pictures, Ravindra Jain. Muske paile ki kalyan and uh, so many other people started i did a lot of hindi songs there ji sir na ji first film was uh, anand mahal but you know the song is song was so nice but it didn't come that is ne sa ga ma ga a अरे सर आपकी आवाज़ इतनी मीठी है सुन के तो बस हम सुनते रह गए वाकई में काबिल तारीफ है सर सर आपने अपना पहला एल्बम निकाला है अहिंसा वर्ल्ड म्यूजिकल एल्बम इसके पीछे की हमें थोड़ी बहुत कहानी बताइए इन अगेन द सेम पैटर्न इन उधर का इनविटेशन लाइक बॉम्बे से एक इन्विटेशन आ गया ऐसा ही इन्होंने बताया कि आई एम गोइंग टू डू विल यू सिंग I said, oh, Definitely, yes. but it should be. I have to feel it. The yes. feel it means, you know, not like you know the. What do you expect in the type of in American style or anything? You know, you can't expect. Yes. If it is class type, I will definitely sing. Then he did a very good job. Ahimsa, then uh, different type of you know ragalab and uh, different uh, languages. जी, जी, सर हम बात कर रहे थे आपके एल्बम के बारे में इसके अलावा भी आपकी सारी फिल्मों के गाने बहुत हिट हैं जो आज भी लोगों के कानों में गूंजते रहते हैं दोस्तों आपके साथ है संगीत के महारथी यसुदास आपने एक और एल्बम बनाया सर सितारों में तू है हां ये इसके अलावा और भी एल्बम्स आपने बनाए हैं मैं ज्यादा एल्बम मैंने हिंदी भजनज में ज्यादा किया है जी साई बाबा मींस द ओरिजिनल सर अभी आपने भजनज के बारे में आपने जिक्र किया आप भजन इतना सुरीला गाते हैं बिल्कुल धर्म से परे हटकर इंसानियत से रिश्ता जोड़कर ये आप कैसे अभी अभी याद कर रहा हूं कि एक एक

I don't have any difference at all. Kri means for me, Christ, Christu, and Krishna. The Kr is only one. I Kiamat. believe in Akshar, not in words. So for me, the field should be same. I never spend my time to speak too much. G. I spend my time to sing. G. So I'll be a very poor speaker. Another example, I will tell you. Once you know what happened. You know to inaugurate somebody, it invited me. Suddenly, it was not at all connected with me. For they somehow called me. I accepted. So they given me suddenly. They given me a paint in you know, a brush, and uh, why can't you paint something? It was a inauguration of a exhibition. Exhibition. I prayed. I do not know anything about." But suddenly something came in me. There was a white small board, hmm. and I asked them, "I want a black paint." Gee. And uh, I took. I just put the brush there, and I am going to do it. Are you ready? I, I asked. <laughs> <laughs> I am going to inaugurate. Matho, inaugurate kar Then I just put the brush only once. One bindu. Bindu se sab akshar ya figure, hum log banate You write Tamil or Hindi or English or anything in this world. Cross or any unwanted elements. you want to paint you have to fix the spot it starts from that suddenly you know it's not my capacity suddenly god always with me i believe in it even if i sing my guru log ka aashirwad my pitaji mata ये सब का आशीर्वाद से मैं चलता हूँ अभी अभी बताया आप पद्म भूषण पद्म ये सब इनके आशीर्वाद दोस्तों अभी आप सुन रहे थे पार्श्व गायक यशुदास से मेरी यानी देवी कुमार की बातचीत का पहला भाग जरूर सुनिएगा इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग दोस्तों इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिला आकाशवाणी चेन्नई के इंजीनियर्स श्रीमती नीला और श्रीमती सिंतिया पद्मिनी सोलोमन का और इस कार्यक्रम को विविध भारती की ओर से आपके लिए प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने उजाले उनकी यादों की